press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। मेरे कर्क राशि वाले मित्र अपना सितंबर 2019 का मासिक राशिफल जानने के लिए व्याकुल होंगे। तो चलिए मित्रों, हम आपको बताते हैं कैंसर अर्थात कर्क राशि का सितंबर 2019 का मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं मेरे कर्क राशि वाले मित्रों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अर्थात ओवरऑल मंथ के बारे में। सितंबर के महीने में आपकी परिस्थितियों में काफी बदलाव आएगा और महीने के मध्य भाग में भाग्य स्थान पर तीन शुभ ग्रहों की दृष्टि अचानक कोई शुभ घटना का संकेत है। यह भाग्य वृद्धि का समय भी हो सकता है, नए विस्तार का समय भी हो सकता है या किसी नई शुभ परिस्थिति का संकेत भी हो सकता है। कठिनाइयों के बीच में मिल रहे मौके को ग्रह का प्रसाद समझना चाहिए और तदनुकूल ही आचरण करना चाहिए। बृहस्पति देवता चाहते हैं कि बुध और शुक्र की कृपा जब आने वाली है तो महीने के मध्य भाग को अमोद प्रमोद में खर्च नहीं करें और व्यापार व्यवसाय नौकरी या बिखरे सूत्रों को जमाने में उपयोग करें। इन दिनों की मेहनत कई महीनों तक काम आएगी। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे कर्क राशि वाले मित्रों के जॉब बिजनेस व्यवसाय यानी कि व्यावसायिक जीवन के बारे में। व्यवसाय के दृष्टिकोण से प्रथम सप्ताह कुछ समस्याओं वाला है, परंतु दूसरे सप्ताह में समस्याओं का निवारण होने लगेगा। अब परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण है। अपव्यय होने के बाद भी आय बढ़ेगी, अवसर बढ़ेंगे और नए लाभ मिलेंगे जो आपकी मदद करने में सक्षम है। भाई बहनों के बीच इस समय कुछ ठीक चल रहा होगा और सहयोग की आशा कर सकते हैं। ऐसा ना हो तो भी विरोध नहीं करेंगे। सितंबर का महीना आय बढ़ाने वाला है। तीसरा सप्ताह और भी अधिक अनुकूल हो जाएगा। अब आप कोई अच्छा साहसिक निर्णय ले सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से जो चल रहा है उसे संभाले रखें। अब लगभग सभी ग्रह अनुकूल हो चले हैं और शनि देवता भी अच्छे नवांश की ओर बढ़ रहे हैं। महीने के अंतिम सप्ताह में जबकि बुध और मंगल उच्च नवांशों में होंगे, लाभ और सहयोग की मात्रा बढ़ जाएगी। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे कर्क राशि वाले मित्रों के रिश्ते नातों की अर्थात रिलेशनशिप्स की। रिश्ते नातों के दृष्टिकोण से यह महीना उत्साह वर्धक हो सकता है। एक तो घर परिवार के लोगों का किसी शुभ कारण से मिलना होगा, धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। इसमें नाते रिश्तेदार और मित्र मिलेंगे। इसी महीने में भाई बहनों के संबंधों में निकटता आएगी। काफी दिनों के बाद ग्रह स्थितियां इस प्रकार की बनी है जिसमें मतभेद के किसी बड़े कारण की निवृत्ति हो सकती है। शनि के मार्गी होने के बाद महीने के उत्तरार्ध में भागीदारी के मामलों में भी सुधार आने की बहुत गुंजाइश है। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे कर्क राशि वाले मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में अर्थात हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना अच्छा जाएगा। अब खान पान पर बहुत ध्यान देंगे, वजन घटाने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे, आंशिक रूप से सफल भी हो जाएंगे। मंगल की बृहस्पति पर दृष्टि इस बात का संकेत है कि आप योग या व्यायाम पर बहुत अधिक ध्यान देंगे। यह प्रवृत्ति महीने के आखिरी सप्ताह में और भी अधिक बलवान हो जाएगी। दावे तो बड़े बड़े करेंगे परंतु कुछ न कुछ तो फिर भी करेंगे ही। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए और देखते रहिए मोटू लाला। अपने समस्त ज्योतिषी सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटू लाला और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।